गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसे कि आप लोग को जानते होंगे कि आपका ऑनलाइन क्लासेस चल रही है और प्रतिदिन सारे शिक्षक कॉलेज में आकर के अपना ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और आप PPU के साइट पर जाकर के देखेंगे तो एक सूचना अभी आई है कि आपका अक्टूबर नवंबर में 21-23 के सत्र का फर्स्ट ईयर का एग्जाम कंडक्ट होने की संभावनाएं हैं। यानी आप जो है इसी साल फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन अक्टूबर नवंबर में देंगे, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना होगा, एग्जामिनेशन की तैयारी करनी होगी। आप PPU के साइट पर जाकर के देखें, उसमें शेड्यूल दिया हुआ है एग्जामिनेशन का, कौन सा एग्जामिनेशन कब होगा आपको खुद उसमें मिल जाएगी। तो हम अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। हम चल रहे थे इसमें पिछले वीडियो में भाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधान यानी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अबाउट लैंग्वेज के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस लैंग्वेज यानी भारत में भाषा के संबंध में कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, तो मैंने कल आपको बताया था कि बहुत सारे ऐसे अधिकार दिए गए हैं भाषा के संबंध में जो कि बहुत ही उपयोगी है। तो 15 अगस्त 1947 से पहले मैंने बतलाया था कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा शब्द ना के बराबर मिलता है, इसका प्रयोग ही नहीं किया जाता था। सर्वप्रथम 1949 ईस्वी में ही राजगोपालाचारी ने इसका प्रयोग किया। तब तक इन दोनों भाषा के बीच में बहुत बड़ी खाई उत्पन्न हो गई थी, समझ में नहीं आ रहा था। हर राज अपने अपने तरीके से भाषा का उपयोग कर रहे थे, प्रचार प्रसार कर रहे थे, लेकिन किसी भी देश के विकास के लिए कोई एक भाषा का होना बहुत ही आवश्यक है, अन्यथा वह देश विकसित नहीं हो पाएगा, वो भाषा के उलझनों में फंसा रह जाएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने भाषा कैसे विकसित हो, भाषा का डेवलपमेंट कैसे हो, इसके संबंध में संविधान में कुछ अनुच्छेद को जोड़ा है, कुछ अधिकार दिए हैं भाषा के विकास के लिए और कैसे पूरे देश में जो है एक राष्ट्रभाषा, एक नेशनल लैंग्वेज हो, उसका भी हमारे संविधान में उनको मान्यता दिया गया है। आज़ादी के 15 वर्ष तक कहा गया था कि अंग्रेजी जो है वो जितने भी ऑफिशियल काम हैं सारे अंग्रेजी में होंगे। ये अनुच्छेद 343 के दो खंड एक में ये बातें कही गई है। 343 के दो खंड एक में कहा गया कि आजादी के बाद 15 वर्षों तक जो है क्या किया जाएगा, सारे ऑफिशियल वर्क अंग्रेजी में होंगे। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजादी के बाद भी हम अपने लैंग्वेज का प्रयोग ना करके हम विदेशी लैंग्वेज का उपयोग कर रहे हैं। आज भी हमारी जो अंग्रेजियत है वो चल रही है, चल नहीं रही है, दौड़ रही है। हम कहीं ना कहीं अपनी भाषा को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। तो इसी के संबंध में क्या किया गया कि 1965 के बाद सरकारी कामकाज में भी इस भाषा का प्रयोग हो, अंग्रेजी का प्रयोग हो, इसके लिए 1963 में राजभाषा अधिनियम लाया गया। और 1967 में क्या किया गया,
राजभाषा अधिनियम संबंधित संकल्प पत्र जारी किया। राजभाषा संकल्प पत्र का घोषणा पत्र, राजभाषा संकल्प का घोषणा पत्र जारी किया जिसमें संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित निम्नलिखित घोषणा पत्र आम आदमी के लिए प्रकाशित किए गए। यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों ने क्या किया, इस घोषणा पत्र पर चर्चा हुई और इसको पारित किया। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार कहा गया कि संघीय राजभाषा राज्यभाषा हिंदी होगी और अनुच्छेद 351 के अनुसार हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार तथा उसका विकास करना कहा गया। यानी कहा गया कि अनुच्छेद 343 के अंतर्गत संघ की जो राज्यभाषा होगी वो हिंदी रहेगी और अनुच्छेद 351 में कहा गया कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार किया जाए तथा उसका विकास किया जाए ताकि भारत की जो संस्कृति है, एकता है, अखंडता है वह बना रहे। साथ ही साथ संघ का भी यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी का प्रचार प्रसार करे, इसके लिए व्यापक कार्यक्रम लाए, इसके लिए वार्षिक मूल्यांकन हो और प्रति वर्ष संसद में इस वार्षिक रिपोर्ट का मूल्यांकन किया जाए कि किन राज्यों में जो हिंदी भाषा है वो कितना उपयोग किया जा रहा है, पिछले साल उनका कितना दर रहा है, किस अनुपात में रहा है, ये पारित किया गया राजभाषा संकल्प का घोषणा पत्र में ये कहा गया। और सभी राज्यों को सरकारी रिपोर्ट जो है वो भेजना होगा। पहला घोषणा पत्र में ये बातें कही गई कि संघ का भी कर्तव्य होगा, केंद्र का भी कर्तव्य होगा कि वो हिंदी का प्रचार प्रसार करे और इसके लिए व्यापक कार्यक्रम लाए, व्यापक रूप से कार्यक्रम के द्वारा भिन्न भिन्न तरह के सेमिनार, संगोष्ठी, सम्मेलन, इसके माध्यम से क्या किया जाए, इसका प्रचार प्रसार किया जाए और इसका एक वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट संसद में प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाए। इसके लिए राज्य सरकार को भी दिशा निर्देश दिए गए, ये पहली बात कही गई। दूसरा कहा गया संविधान के 8वीं अनुसूची में हिंदी के अतिरिक्त 14 मुख्य भाषाओं का भी उल्लेख किया गया। 7वीं अनुसूची में हिंदी के अलावा 14 मुख्य भाषाओं का भी क्या किया गया, उल्लेख किया गया। देश के विकास के लिए आवश्यक होगा कि इन भाषाओं का भी विकास किया जाए, यानी हिंदी के साथ साथ जो 7वीं अनुसूची में 14 भाषाओं का जिक्र किया गया है उन 14 भाषाओं का भी विकास किया जाए। भारत सरकार तथा राज्य सरकार हिंदी के साथ साथ सभी भाषाओं के विकास हेतु कार्यक्रम का निर्माण करें और उसका व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करें। ये दूसरा संकल्प यानी ये राजभाषा का जो संकल्प घोषणा पत्र है इसमें दूसरी बातें कही गई कि आज साथ है ना, कहा गया कि 8वीं अनुसूची में हिंदी के अलावा जो 14 भारतीय भाषाएं का वर्णन किया गया है उनका भी क्या किया जाए, उनका भी प्रचार प्रसार किया जाए, उसका भी उपयोग किया जाए ताकि देश का विकास हो सके, क्योंकि हर जगह हिंदी का प्रयोग नहीं हो रहा था, हर राज्यों में अलग अलग भाषाओं का प्रयोग हो रहा था और एकदम से अगर हम हिंदी का प्रचार करें और बाकी दूसरी भाषाओं का प्रचार प्रसार ना करें तो इस स्थिति में भी हमारे देश का डेवलपमेंट डूब जाएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को और भारत सरकार को हिंदी के अलावा सभी भाषाओं को विकास विकसित करने के लिए
उसका प्रचार प्रसार करने के लिए, कार्यक्रम बनाने के लिए और उसका प्रचार प्रसार करने के लिए कहा गया। ये दूसरी प्रमुख बातें कही गई। तीसरी बातें कही गई कि भारत सरकार राज्य सरकार द्वारा त्रिभाषा सूत्र को लाया जाए, जिसमें हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी तथा अंग्रेजी भाषी क्षेत्रों में अंग्रेजी भाषा का सिखाया जाए। इसके अलावा दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वहां पर अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी को भी तरजीह दी जाए, उसको मान्यता दिया जाए। किसी एक को तरजीह ना दिया जाए, किसी एक भाषा का वकालत ना किया जाए, अंग्रेजी के साथ साथ दक्षिण के राज्यों में हिंदी का भी पठन पाठन हो, ताकि वहाँ पर हिंदी जो है बोलने वाले की संख्या बढ़े, समझने वाले की संख्या बढ़े। ये बातें कही गई। फिर कहा गया कि संघ लोक सेवा आयोग और अखिल भारतीय और जो उच्च केंद्रीय सेवाओं के जो परीक्षाएं होते हैं वे सभी भारतीय भाषाओं तथा अंग्रेजी को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक माध्यम के रूप में इसका उपयोग किया जाए। अन्य जितने भी सिविल सेवा है ना, सिविल सेवा के जो एग्जामिनेशन होते हैं या हायर एजुकेशन की जो परीक्षाएं होती है, तो आठवीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं शामिल हैं उन सभी भाषाओं में प्रश्नों का प्रश्न आए, साथ ही साथ अंग्रेजी में भी आए, हिंदी में भी आए। यानी हिंदी के अलावा आठवीं अनुसूची में जो 14 भाषाएं हैं उनमें क्या हो कि प्रश्न पत्र आए, साथ ही साथ अंग्रेजी में भी प्रश्न पत्रों को भी है ना लाने की वकालत की गई है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। लेकिन यह बहुत ही शर्मनाक बात है कि आजादी के 70-72 वर्ष बाद भी हिंदी को जो व्यवहारिक रूप से राजभाषा का दर्जा मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया है। जिस प्रकार से अंग्रेजी की हिमाकत की जा रही है, उसकी वकालत की जा रही है, इससे भविष्य में हिंदी का वास्तविक राजभाषा होने का कम ही है ना आसान नजर आ रही है। यानी हिंदी जो है केवल किताब के पन्नों में, संविधान के पन्नों में सिर्फ अंकित हो जाएगी, वो केवल नाम मात्र का रह जाएगा। अगर हम इसी प्रकार से अंग्रेजी की हिमाकत करते रहें, उसकी वकालत करते रहें, तो हिंदी का जो वास्तविक स्वरूप है, वास्तविक रूप से इसका जो प्रयोग होना चाहिए वो आज तक नहीं हो पाया है। हिंदी के वरिष्ठ साहित्यकार स्वर्गीय शैलेंद्र मटियाली ने कहा है कि संविधान में राजभाषा के सारे अधिकार बिना शर्त अंग्रेजी को दे दिया गया है, लेकिन राजभाषा का पद घोषित रूप से नहीं दिया गया। यानी बिना शर्त हम अंग्रेजी को सारे कुछ दे चुके हैं, सारे ऑफिशियल वर्ग आज भी अंग्रेजी में हो रहे हैं, यहां तक कि हायर एजुकेशन की जितने भी परीक्षाएं हो रही है, जितने भी हायर एजुकेशन की जो पुस्तकें आ रही है वो सारे के सारे अंग्रेजी में आ रही है। तो क्या इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि हम अंग्रेजी की वकालत कर रहे हैं? क्या ये हमारे आजादी के 70-72 वर्ष बाद भी ये हमारे लिए शर्म की बात नहीं है कि आज भी हम अंग्रेजी की वकालत कर रहे हैं, उसकी हिमाकत कर रहे हैं, उसे बढ़ावा दे रहे हैं? या पीड़ा हिंदी की नहीं है बल्कि सभी भारतवासियों की पीड़ा है? संविधान में हिंदी को स्थापित करने का जो 15 वर्षों का अवधि दिया गया था वह अवधि अभी तक खत्म नहीं हुई है, और हिंदी घोषित रूप से राजभाषा होते हुए भी उसे उसका अधिकार नहीं मिल पाया।
हिंदी भाषा के लिए सबसे बड़ी विडंबना की बात और क्या हो सकती है कि जो 15 वर्ष की अवधि दी गई थी आज तक वो खत्म नहीं हुआ है, आज भी वो चलती आ रही है, आज भी वो चल रही है, पता नहीं कब तक यह 15 वर्ष खत्म होगा, कब हमारे हिंदी को राजभाषा का पूर्ण दर्जा मिल पाएगा। सिर्फ संविधान के पन्नों में लिख देने से हमारी हिंदी जो है वो राजभाषा का या राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं पा सकती है, व्यवहारिक रूप से उसका प्रयोग होना चाहिए। तो ये प्रश्न जो है बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में भाषा के संबंध में जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, जो संविधान के अंतर्गत मान्यताएं दी गई हैं, जो व्यवस्था की गई है उसके बारे में बताएं। तो इसके बारे में मैंने आपको बतलाया है, आप एक एक करके वीडियो को देखेंगे तो आपको सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। थैंक यू।